हेलो एवरीवन, हमारे आज के वीडियो में हम फिर से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 4 को देखेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इसमें हम सेक्शन 42 से लेकर 45 तक के बात करेंगे। 42 में डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज़ के बारे में बात की गई है, मतलब संयुक्त दायित्वों का न्यागमन। 43 में ये बताया गया है, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, मतलब जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं उनमें से किसी एक को कंपेल किया जा सकता है उनके प्रोमिसर्स को परफॉर्म करने के लिए। ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, मतलब जितने भी जॉइंट प्रोमिसर्स हैं उनमें से हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कंपेल कर सकता है कंट्रीब्यूट करने के लिए। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, मतलब हर एक व्यक्ति जो जॉइंट प्रोमिसर है, हर एक प्रोमिसर ये कर सकता है, कंपेयर कर सकता है कि वो कंट्रीब्यूट करें किस चीज़ के लिए, अगर कोई लॉस हुआ है डिफॉल्ट के कारण। 44 में ये बताया गया है, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, मतलब जितने भी जॉइंट प्रोमिसर्स हैं उनमें से अगर किसी को रिलीज कर दिया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। और 45 में डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स के बारे में बात की गई है, मतलब संयुक्त अधिकारों के न्यागमन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 42, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज, मतलब संयुक्त दायित्वों का न्यागमन। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो जॉइंट लाइबिलिटीज हैं, मतलब दायित्व हैं जो कई लोगों ने मिल कर लिए हैं, जो शेयरिंग में ली गई है, तो उसका परफॉर्मेंस, वो लाइबिलिटीज़ कैसे काम करेंगे, उनका न्यागमन कैसे होगा। When two or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears by the contract, all such persons during their joint lives and after the death of any one of them, his representative jointly with the survivors or survivor, and after the death of the last survivor, the representative of all jointly must fulfill the promise. इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों ने एक जॉइंट प्रॉमिस किया है, तो अगर कोई और इंटेंशन अपीयर नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट से, ये माना जाएगा कि सारे जो व्यक्ति हैं, जो प्रॉमिसर्स हैं, जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं, वो सब अपने जीते जी सब के सब मिलकर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, उस प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे जो उन्होंने किया है। और अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी जॉइंट परफॉर्मर की, प्रॉमिसर की मृत्यु हो जाती है, तो जितने जॉइंट प्रॉमिसर जीवित हैं और जिसकी मृत्यु हुई है उसका रिप्रेजेंटेटिव, वो सब मिलकर उस प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे। और अगर सारे जॉइंट प्रॉमिसर्स की मृत्यु हो जाती है, तो उन सारे जॉइंट प्रॉमिसर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सब मिलकर उस प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। ये होता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। सेक्शन 43 देखते हैं, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल टू परफॉर्म, मतलब जितने भी जॉइंट प्रोमिसर्स हैं उनमें से किसी भी एक को कंपेल किया जा सकता है किस लिए, प्रोमिस को परफॉर्म करने के लिए। वेन टू और मोर पर्सन्स मेक अ जॉइंट प्रोमिस, द प्रोमिसी मे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर्स टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिस। इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोगों ने एक जॉइंट प्रॉमिस किया है, तो जो प्रॉमिसी होगा उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो पूरे जॉइंट प्रॉमिसर्स जितने भी हैं उनमें से किसी एक को कंपेल कर सकता है कि वो प्रॉमिस को परफॉर्म करे। लेकिन अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट अगर किया गया है कि ऐसा नहीं करेगा प्रॉमिसी, उस केस में वो ऐसा नहीं कर सकता। अदरवाइज उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो पूरे जॉइंट प्रोमिसर्स जितने भी हैं उनमें से किसी एक को कंपेल कर सकता है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए। ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये है कि जितने भी प्रोमिसर्स हैं, जॉइंट प्रोमिसर्स, उनमें से हर एक के पास ये ऑप्शन है कि वो दूसरे को कंपेल कर सकता है कंट्रीब्यूट करने के लिए उस प्रोमिस को परफॉर्म करने। Each of two or more joint promisers may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of the promise, unless a contrary intention appears from the contract. इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोगों ने एक promise किया, तो
तो हर उस व्यक्ति के पास जिसने प्रॉमिस किया है, हर उस प्रॉमिसर के पास ये ऑप्शन होगा कि वो दूसरे प्रॉमिसर को कंपेल कर सके इक्वली परफॉर्म करने में, कंट्रीब्यूट करने के लिए, कि सारे व्यक्ति इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने में। लेकिन अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, ये चीज़ दी हुई है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, तो वो नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए बी सी और डी ने ये प्रॉमिस किया कि वो चारों मिलकर एफ को 100 रुपये देंगे। तो एफ के पास ये ऑप्शन है कि वो ए बी सी या डी किसी को भी वो कंपेल कर सकता है 100 रुपये देने के लिए, और ए बी सी और डी के पास ये ऑप्शन है कि वो चार एक दूसरे को कंपेल कर सकते हैं कि वो 25-25 रुपये कंट्रीब्यूट करें ताकि 100 रुपये का जो प्रॉमिस उन्होंने एफ को किया है वो उसको पे कर सके। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। इफ एनी वन ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स मेक्स डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स मस्ट बेयर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर्स। इसका मतलब यह है कि जितने भी जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, अगर उसमें से एक या एक से ज़्यादा किसी व्यक्ति ने, किसी प्रोमिसर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो जो बचे हुए प्रोमिसर्स हैं उन लोगों के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होगा और उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो एक दूसरे को कंपेयर कर सकें कि जो लॉस हुआ है उस डिफॉल्ट के कारण उसको उन लोग इक्वली बेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, ए बी और सी ने ये संविदा की, ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो एफ को 60 रुपीज़ देंगे, तो हर एक का शेयर बनता है 20-20 रुपीज़ का, 20-20 रुपये। लेकिन सी बैंक्रप्ट हो जाता है, उसके पास पैसे नहीं बचते, तो ए और बी एक दूसरे को ये कंपेल कर सकते हैं कि उसके हिस्से का जो 20 रुपये है उसको उन लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके देंगे, मतलब 10-10 रुपये। इस हिसाब से ए और बी को 30-30 रुपीज़ एफ को देना होगा ताकि वो 60 रुपीज़ का जो प्रॉमिस था उसको वो होलसम कर सके। एक्सप्लेनेशन। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग हिज प्रिंसिपल। पेमेंट्स मेड बाय द श्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल आर एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट्स मेड बाय द प्रिंसिपल। इसका मतलब यह है कि इस सेक्शन का कोई भी इफेक्ट उस चीज़ पर नहीं होगा जहाँ पर श्योरिटी की बात आती है। अगर किसी श्योरिटी ने अपने प्रिंसिपल की तरफ से कोई पेमेंट किया है तो वह एंटाइटल होगा अपने प्रिंसिपल से उस पेमेंट को कंपेंसेट करवाने के लिए, और इसी का वाइस वर्सा बताया गया कि अगर प्रिंसिपल ने श्योरिटी के तरफ से कोई पेमेंट किया है तो प्रिंसिपल के पास ये अधिकार होगा वो श्योरिटी से उसका कंपेंसेशन ले सके, वो जो पेमेंट उसने किया है उसको रिकवर कर सके। अगला सेक्शन देखते हैं, 44th, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। वेयर टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रोमिस, अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर्स बाय द प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स, नाइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोगों ने एक जॉइंट प्रॉमिस किया है, लेकिन अगर प्रॉमिसी ने उन सारे जॉइंट प्रॉमिसर्स में से किसी एक को या एक से ज़्यादा को रिलीज़ कर दिया, कि उसको ये ऑप्शन दे दिया कि तुम चाहो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म मत करो, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने सारे जॉइंट प्रॉमिसर्स को रिलीज़ कर दिया है उनके ऑब्लिगेशन से। इसके अलावा ये भी बात इसमें बताई गई है कि जिस प्रॉमिसर को रिलीज़ किया है प्रॉमिसी ने, उस प्रॉमिसर के अभी भी ऑब्लिगेशंस हैं, और किसके तरफ हैं, जो बाकी के जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं उनके तरफ उसके जो भी ऑब्लिगेशंस थे वो एज इट इज़ रहेंगे। फॉर एग्जांपल, ए बी और सी ने ये प्रॉमिस किया कि वो एफ को 60 रुपीज़ देंगे। अब एफ ने ये बोला कि सी अगर चाहे तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करे, लेकिन ए और बी को अभी भी 60 रुपीज़ एफ को देने हैं, तो एफ को भले सी को भले ही एफ ने रिलीज़ कर दिया है, मतलब प्रॉमिसी ने रिलीज़ कर दिया, लेकिन सी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंट्रीब्यूट करे किसमें, ए और बी को उनके प्रॉमिस को परफॉर्म करने में, तो उसको अभी भी 20 रुपीज़ देने होंगे, और अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उसका लॉस भी उसको कंट्रीब्यूट करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, मतलब जॉइंट राइट्स का न्यागमन।
When a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests as between him and them, with them during their joint lives and after the death of any of them, with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with the representatives of all jointly. इसका मतलब यह है संयुक्त अधिकार उनका न्यागमन. अगर एक व्यक्ति ने प्रॉमिस किया है दो या दो से अधिक लोगों से कि वह किसी राइट को क्लेम करेगा या किसी काम को परफॉर्म करेगा, कोई परफॉर्मेंस करेगा, तो फिर उस परफॉर्मेंस को क्लेम करने का जो राइट है वो दोनों व्यक्तियों के पास रहेगा या जितने भी व्यक्ति हैं उनके पास रहेगा. और अगर उन सारे व्यक्तियों में से जॉइंट प्रॉमिसेस में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो जितने जीवित व्यक्ति हैं, जितने जीवित प्रॉमिसेस हैं, अलाइव हैं वो, और जिसकी मृत्यु हुई है उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास वो जो राइट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इन्फोर्स कराने का, जो क्लेम कर सकते हैं उन लोग किसी भी प्रॉमिस को परफॉर्म करने को. फॉर एग्जाम्पल, इसका इलस्ट्रेशन एक हम देख लेते हैं, उससे ये बेहतर समझ आएगा. A, in consideration of 5,000 rupees lent to him by B and C, promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a day specified. B dies. The right to claim performance rests with B's representative jointly with C during C's life and after the death of C with representative of B and C jointly. इसका मतलब यह है कि B और C ने A को 5,000 रुपए दिए और बदले में ए ने प्रॉमिस किया कि वो एक निश्चित दिन पर उन्हें 5,000 रुपये विद इंटरेस्ट लौटाएगा. तो उस जो लौटाने की बात है, वो प्रॉमिस है लौटाने का, उसको इन्फोर्स कराने का राइट है बी और सी के पास. लेकिन बी की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो क्लेम करने का जो राइट है वो किसके पास चले जाएगा? बी के रिप्रेजेंटेटिव और सी के पास. लेकिन अगर सी की भी मृत्यु हो जाती है तो फिर बी और सी दोनों के रिप्रेजेंटेटिव के पास ये राइट रहेगा कि वो ए से उस परफॉर्मेंस को इन्फोर्स करा सके कि वो 5,000 रुपये और जो इंटरेस्ट बनता है उसको वो वापस करे. थैंक यू.